ऐसा लगा मैं इससे प्रभावित हुआ और यहाँ पे काम कराने आया। इसके अलावा जो काम इन्होंने किया टाटा जेन्युइन ओरिजिनल एक्सेसरी सारी और जेन्युइन रेट के अंदर एक नंबर का काम किया, बेस्ट काम किया और रेट भी बहुत जायज है। बाकी कंपैरिजन करे तो हमें बहुत अच्छा रेट जो हम व्हाट्सएप पर या फोन पे बताए थे रेट सारा वही मिला सर, वही रेट मिला। इसके अलावा इन्होंने और अपनी तरफ से 10% कंसेशन टोटल बिल पे कर दिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल कार सिंगार करोलबाग। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टाटा पंच पंच प्योर मॉडल एक्सी मॉडल रहने वाली है और इसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो फोग लैंप लगा रहे हैं इसके अंदर, देख सकते हैं हेडलैम्प के अंदर एलईडी इंस्टॉल कर रहे हैं, 130 वाट की एलईडी इंस्टॉल कर रहे हैं, हेलोजन निकाल के एलईडी इंस्टॉल हो गए, ऊपर डीआरएल लगेंगे, हॉर्न अपग्रेड होगा और साइड का जो काम हुआ है देख सकते हैं, डोर वाइजर विंडो गार्निश क्रोम ये पूरे देख सकते हैं, पीछे तक की पूरी 8 पीस में रहता है। ये अपना डोर हैंडल डोर गार्ड, ये अपना मैट फिनिश वाला आता लग के ओ आर बी एम कवर, तो ये निकाल के ग्लोसी वाला लगाएंगे इसके अंदर, ओरिजिनल टाटा जेन्युइन लगाएंगे, कवर पूरा लगेगा चेंज होगा, बिल कवर लगेंगे और मेन जो अंदर का काम हुआ हो रहे हैं इसके अंदर देख सकते हैं, स्पीकर JBL कंपोनेंट लगेगा इसके अंदर देख सकते हैं, कंपोनेंट लगा रहे JBL CS7 390 वाट की रहने वाली है। यहाँ ट्यूटर इंस्टॉल होंगे देख सकते हैं ये, और इनरोड सिस्टम लगेगा इनरोड, और ये देख सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी लगा रहे हैं हम टाटा जेन्युइन, ये देख सकते हैं ये लग के आता तो ये निकाल के यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगा रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग लगा रहे हैं विद फ्लिप की रिमोट वाली, सीट को लगा रहे हैं फुल बकेट सीट को लगेंगे और अल्ट्रा कम्फर्ट वाले सीट को लगेंगे वो दिखाएंगे हम आपको, नीचे पूरी फ्लोरिंग होगी टाई कट वाली तो वो भी दिखाएंगे आपको, ऊपर एंटीना लगा दिया हमने देख सकते हैं, ये एंटीना रहने वाली है एडजस्टेबल एंटीना होती है और विद वायरिंग होती है, पूरा यहाँ से लेके पूरा वायर इंस्टॉल होता है म्यूजिक सिस्टम पे, और म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं सारी वायरिंग हो रही है, सारी कपलर टू कपलर वायरिंग होती है जैसे हम दिखाते हैं आपको टाटा जेन्युइन काम जो होता है हमारे शॉप पे। और पीछे की बात कर ले तो यहाँ एक रियर गार्ड लगाएंगे और एक कैमरा इंस्टॉल करा हमने, देख सकते हैं कैमरा, ये डिक्की बंद होने के बाद दिखेगी नहीं कैमरा कहाँ लगा हुआ है, और पूरा कैमरा पूरा व्यू देता है वो सब दिखाएंगे आपको। रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं यहाँ ऊपर, स्पॉयलर लगाएंगे, रूफ रेल लगाएंगे और ये देख सकते हैं अपनी शॉप डिजिटल कार सिंगार करोलबाग, यहाँ पे टाटा जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं सारी गाड़ियों के, तो ये सब काम चल रहे देख सकते हैं। बैक डोर में जो स्पीकर लगे हैं JBL कोक्सचे लगे हैं देख सकते हैं 350 वाट, और फ्रंट में JBL कंपोनेंट 390 वाट विद टूटर विद कोक्सियल, ये सारे वारंटी कार्ड होते हैं JBL के, और ये सब काम चल रहे हैं। गियर लॉक भी लगाया हमने देख सकते हैं, ऑटो स्कोर की जिसकी पाँच साल की गारंटी होती है। और ये फंक्शन कैसे होता है, जैसे यहाँ से रिवर्स गियर डालेंगे और ये पिन को डाल देंगे अंदर, ये गाड़ी पूरी लॉक हो जाएगी, गियर बिल्कुल भी नहीं लगेगा देख सकते हैं, गियर बिल्कुल हिल नहीं रहा है, ये पूरी सेफ हो गई गाड़ी अपनी। और खोलने के लिए इसके साथ 3 चाबी आती है, यहाँ से इसको डालेंगे और एक बार दबाया ये पिन निकल गया, इसको अपने स्टैंड पर लगा दिया और ये गियर अब गियर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज़ है गाड़ी की सेफ्टी के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये भी लगा रहे हैं इसके अंदर। बाकी क्या क्या होगा सब कुछ दिखाएंगे आपको, होने देते हैं काम। और ये शॉप अपनी डिजिटल कार सिंगार करोलबाग। तो अपनी पंच की अपडेट दे दूं तो इसके साइड मिरर जो आते देख सकते हैं ये नॉर्मल आता है, और जो बेस मॉडल में आता है मैट फिनिश के, तो ये हटा के सौर पकड़ना, ये हटा के एक ग्लोसी ब्लैक वाला कवर लगा रहे हैं इसके अंदर, ये ग्लोसी ब्लैक वाला प्रॉपर एक कवर लग जाएगा और ये पूरी पार्ट है, ये जेन्युइन पार्ट रहने वाली है देख सकते हैं। और ये चेंज होता है, ये नहीं कि चिपकाएंगे इसके ऊपर, ये पार्ट ही पूरा चेंज होगा, ये निकलेगा और इसके ऊपर ये लग जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पूरा। और ये जेन्युइन टाटा के पार्ट्स रहने वाले देख सकते हैं, ये सारे पार्ट्स जेन्युइन टाटा के रहने वाले हैं, तो ये दोनों राइट लेफ्ट के अलग अलग डब्बे में आते हैं, तो दोनों पीस चेंज होंगे और मैट वाला निकल के एक ग्लोसी वाला पूरा ये पार्ट चेंज हो जाएगा। तो ये भी लगा के आपको दिखाते हैं, बाकी काम चल रहा है जैसे कि देख सकते हैं, व्हील कवर लगाया हमने देख सकते हैं, अलॉय व्हील लुक वाली पूरी है, अच्छा लग रहा है व्हील कवर, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, तो होने के बाद दिखाते हैं सब आपको। तो अपनी फ्लोरिंग कर रहे हैं देख सकते हैं, डाई कट वाली पूरी फ्लोरिंग हुई है देख सकते हैं, पूरी आगे से लेके पीछे तक पूरी डाई कट में होती है और कोई सिलाई ज्वाइंट नहीं मिलेगा इस फ्लोरिंग के ऊपर देख सकते हैं, पूरी शेप बनी हुई है और ये पूरी डाई से बनी हुई है शेप देख सकते हैं पूरी, और फुल वाटरप्रूफ फ्लोरिंग होती है, पूरी पीछे तक जाती है सीट के नीचे तक, और ये पूरी यहाँ तक हुई है फ्लोरिंग, ये पूरी गाड़ी वाटरप्रूफ डस्टप्रूफ हो गई है ये, और कोको डाल में रहने वाली है देख सकते हैं, जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी होती है, तो ये वाली पूरी फ्लोरिंग हुई है और बाकी सारे काम चल रहे हैं। तो ये हो रहे हैं सारे काम, बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं सारे काम, हाँ, हो गए अभी
सीट कवर लग रहा है, अभी बंपर सफर लग रहा है। लग रहा ना, काम सब बढ़िया हो रहे हैं ना सारे? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। और मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी आए तो डिजिटल कार सिंघार। ओके, तो पंचपुरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जाने के लिए रेडी है। और इसमें क्या क्या हुआ है एक एक करके सब दिखाते हैं आपको। और दूसरी गाड़ी देख सकते हैं अपनी अल्टो, जिसमें भी काम हुआ है। और ये नेक्सॉन के अंदर काम चल रहे हैं, तीनों गाड़ी के अंदर काम हुए हैं अपनी डिजिटल कार शॉप पे। तो फ्रंट किससे बात करें तो देख सकते हैं ऊपर DRL लगाया हमने, जो मैट्रिक्स स्टाइल में रहती है, इंडिकेटर पे रनिंग करती है पूरी। DRL के अंदर हेलोजन बल्ब आता है तो वो निकाल के LED में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। और ये इंडिकेटर मैट्रिक्स में जलती है तो वो भी जला के दिखाएंगे। हेडलैम्प के अंदर LED लगाया 130 वॉट की, और ऊपर ये पूरा ग्लोसी ब्लैक का इयररिंग लगाया पूरा देख सकते हैं, जो काफी अच्छी लुक आ रही है लगने के बाद में। नीचे फॉग लैम्प लगाया हमने, ये हेलोजन ही रखा है। और फ्रंट की बात करें तो देख सकते हैं अपनी पंच की बैजिंग हुई है पूरी, और लुक अपनी पंच की रहने वाली, काफी अच्छी लुक आ रही है। नीचे स्किड प्लेट भी लगवा सकते हैं, अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं जैसे ही DRL हमने इंडिकेटर पर करा तो ये इंडिकेटर ऑन करा तो ये DRL पूरी रनिंग कर रही है। देख सकते हैं दोनों साइड में रनिंग कर रही है पूरी ये DRL। अभी दोनों ऑन करा, राइट का करेंगे तो राइट का होगा, लेफ्ट का करेंगे तो लेफ्ट का होगा। नीचे फॉग लैम्प लगा हो, हेलोजन ही रखा सर ने। अगर LED इंस्टॉल कराना है तो LED भी इंस्टॉल हो जाता है, इसके अंदर HID लगाना है तो HID इंस्टॉल हो जाते हैं। साइड लुक की बात करें तो ये व्हील कवर लगाया हमने देख सकते हैं, जो अलाइव व्हील लुक में आता पूरा देख सकते हैं। और ये पूरा देख सकते हैं टीके मोनो के साथ में, काफी अच्छी लुक आ रही लगने के बाद में। और यहाँ से दिखाएं आपको तो ये साइड मिरर कवर लगाया हमने, जो टाटा जेनवन ने लगाया है, ग्लोसी में लगाई है। ये बेस मॉडल के मिरर है, इसके ऊपर ये कवर पूरे चेंज हो गए हैं। और अगर टॉप मॉडल वाले मिरर चाहिए आपको ऑटो फोल्ड वाले तो वो भी अवेलेबल है, वो आके लगवा सकते हैं। बाकी जो काम हुआ है देख सकते हैं, अपनी डोर वाइजर प्रॉपर रहने वाली देख सकते हैं पंच के लिए। क्रोम लाइनिंग के साथ में पूरी ऊपर रूफ रेल लगाया हमने, ये रूफ रेल पूरी ग्लोसी में रहने वाली है और काफी लुक आ रही है लगने के बाद में। और फिटिंग देखिए काफी अच्छी है, गाड़ी हिला के दिखा रहे हैं आपको, चिपका हुआ है सिर्फ ये टेप से, बहुत अच्छी फिटिंग है। ये पूरी विंडो गार्निश क्रोम देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरी बैक से लेके यहाँ तक मिरर तक आए हैं पूरे पीसेस ये देख सकते हैं। हैंडल क्रोम लगाया हमने, ये डोर गार्ड लगाया हमने, और साइड लुक अपनी पंच की ये रहने वाली है। बैक साइड से बात करें तो ऊपर स्पॉइलर लगाया हमने, सेम कार के कलर के व्हाइट कलर के स्पॉइलर लगाया हमने। अगर ग्लोसी में चाहिए तो ग्लोसी में भी अवेलेबल होता है, जिस कलर की कार है उस कलर के आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे। तो ये अपने पंच के लिए रहने वाली है प्रॉपर, ये दे सकते हैं फिटिंग देख सकते हैं प्रॉपर इसकी पंच की स्पॉइलर। एक लगाया हमने ये देख सकते हैं डिक्की क्रोम, और नीचे एक और क्रोम डिक्की की ये देख सकते हैं, ये भी क्रोम लगे हैं पूरे। रिफ्लेक्टर लाइट लगे हैं, और एक रियर गार्ड लगाया हमने, ये देख सकते हैं पंच के लिए प्रॉपर रहने वाली है। ये देख सकते हैं बैक साइड से लुक इसकी, जो रिफ्लेक्टर है वो मैट्रिक्स स्टाइल में रहती है। इंडिकेटर जैसे रनिंग करेंगे तो इंडिकेटर पे रनिंग करता है, इंडिकेटर दबाना तो देख सकते हैं इंडिकेटर जैसे हमने करा तो पूरी देख सकते हैं स्कैन कर रही है पूरी दोनों साइड। रिफ्लेक्टर लाइट, बूट की बात करें तो बूट में लगाया हमने, ये बैक कैमरा ये देख सकते हैं यहाँ जो लग, ये देख सकते हैं कैमरा दिखेगा नहीं बिल्कुल भी डिक्की बंद होने के बाद में। बाकी एक बूट लैंप लगाया हमने ये देख सकते हैं, अभी हेलोजन ही रखा है, LED करवाना है तो LED हो जाता है। तो ये हुए हैं, ये सारे सामान वगैरह जो लगे कटन वगैरह लगा लेंगे सर अभी, और ये जो सामान उतरे वो रखवा दिए हमने। मेन जो काम हुआ अंदर का वो भी दिखाते हैं आपको। एक एंटीना लगाया हमने देख सकते हैं पंच के लिए प्रॉपर रहने वाली है, ये एडजस्टेबल वाली है पूरी, तो ये लगाया हमने। मेन जो अंदर का काम हुआ वो भी दिखाते हैं। ये सेंट्रल लॉकिंग लगाया देख सकते हैं फिलिप की रिमोट के साथ में, टीके मोनो के साथ में पूरी। और ये जैसे गाड़ी लॉक करेंगे एक कार हो जाएगी लॉक, ये देख सकते हैं गाड़ी लॉक हो चुकी है। और यहाँ से करते हैं अनलॉक तो ये अनलॉक हो गई। इंटीरियर की बात करें तो देख सकते हैं ये लगाया हमने एम्बिएंट लाइट K3, और ये 10 पीस में रहने वाली है, 10 पीस में रहने वाली है। 2 पीस डैशबोर्ड के ऊपर लगता है, एक इधर और चारों डोर्स के ऊपर, और 4 पीस लगते हैं, 2 आगे एक इधर और 2 पीछे ये देख सकते हैं सीट के नीचे, तो ये लगे हैं। नीचे 70 मैट लगे हैं पूरे देख सकते हैं, और उसके नीचे पूरी डाई कट वाली पूरी वाटरप्रूफ फ्लोरिंग वो दिखा दिया था आपको, और 70 मैट इंस्टॉल हो गए प्रॉपर पंच के लिए देख सकते हैं।
सीट कवर अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर रहने वाली है, फुल बकेट देख सकते हैं, काफी अच्छी लुक आ रही है सीट कवर की। ये देख सकते हैं फुल बकेट सीट कवर, ये देख सकते हैं अल्ट्रा कंफर्ट है, ये पूरी कंफर्ट वाली सीट लगी है, देख सकते हैं कुशनिंग वाली पूरी है, पूरी फुल बकेट सीट कवर अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर रहने वाली है। दोनों साइड दिखा दूं मैं आपको, तो ये देख सकते हैं फुल ब्लैक में लगवाया सर ने। अगर कोई और कलर चाहिए तो सारे कलर अपने पास अवेलेबल है, तो आके लगवा सकते हैं। पीछे की भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये देख सकते हैं सीट पूरी पीछे की रहने वाली है अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर, ये देख सकते हैं पूरी फुल बकेट सीट कवर है, देख सकते हैं नीचे पूरी 70 मैट पीछे की तरफ भी पूरी हुई है, और एम्बिएंट लाइट जो है आप देख सकते हैं पीछे भी पूरी एम्बिएंट लाइट ऐप लाइट है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिया सर ने, और रिमोट भी है इसके साथ में, रिमोट से भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं रेड करा हमने, ग्रीन करा, ये सारे कलर चेंज हो जाते हैं, मल्टी कलर पे करना है मल्टी कलर कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ करना है तो म्यूजिक के साथ भी कलर चेंज होता रहता है, तो सारे कलर इसमें हो जाता है, जैसा कलर पे आप करोगे तो हो जाता है वो कर सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल टाटा जेन में रहने वाली है, देख सकते हैं पूरे, और ये पूरे वर्क करें, जैसे कि यहाँ से वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले पे पूरा आपको दिखाई गए, देख सकते हैं, और ये माइनस सारे बटन वर्किंग है, पूरी लाइट जल रही है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं, तो ये पूरी ओरिजिनल टाटा जेन में स्टीयरिंग कंट्रोल लगे हैं, और स्टूडियो लगा है, इंडोर सिस्टम देख सकते हैं, और बैक कैमरा भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो जैसे ही रिवर्स गियर डालेंगे इग्निशन ऑन करके, तो ये अपना देख सकते हैं कैमरा ऑन हो चुके हैं, देख सकते हैं यूएसडी नाइट विजन कैमरा रहने वाली है विद मूविंग लाइन के साथ में, और कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी आती है, देख सकते हैं पूरी कैमरा अपनी, और पूरा बैक सेंसर पूरे वर्क कर रहे हैं, तो यूएसडी नाइट विजन कैमरा लगाया हमने, और ऊपर ईआई एलबीएम भी चेंज करा हमने, ये देख सकते हैं ये एडजस्टिंग वाली मिरर लगाया हमने, जो लग के आते हैं इसके छोटे आते हैं तो हटा के पूरी एडजस्टिंग वाली एयरबियम, तो ये हमने लगाया है टाटा जेन्युइन रहने वाली है। गियर लॉक आपको दिखाई दिया था, ये गियर लॉक लगे हैं, और म्यूजिक सिस्टम का भी आपको आउटपुट सुना देते हैं, बाकी ओवरलुक दिख दे सकते हैं पूरी, स्टेयरिंग रैपिंग भी करा हमने, ये पूरी स्टेयरिंग रैप है पूरी, ये देख सकते हैं, और पूरी स्टिचिंग देख सकते हैं पूरी प्रॉपर स्टिचिंग होती है, प्रॉपर अपनी जो टाटा की गाड़ी की जेन्युइन देख सकते हैं अपनी स्टेयरिंग रैपिंग हुई है, जो टॉप मॉडल में होके आता वही चीज हुई है, और अगर डबल कलर में कराना तो डबल कलर में होते हैं, सिंगल में कराना है सिंगल कलर होता है, तो अभी ब्लैक ही रखा सर ने, अगर डबल टोन करना है तो डबल टोन होते हैं अपने पास तो करवा सकते हैं, बाकी सिस्टम की भी आउटपुट सुनाते हैं आपको। गाड़ी के अंदर आउटपुट काफी अच्छी है, आवाज साउंड काफी अच्छी आ रही है, फ्रंट कंपोनेंट लगे JBL 390 वाट की, और बैक कोक्सियल लगे JBL 350 वाट की, तो गाड़ी के अंदर कोई बेस ट्यूब एम्पलीफायर नहीं लगा हुआ, और गाड़ी के अंदर आउटपुट काफी अच्छी है, अगर एम्पलीफायर बेस ट्यूब लगाना है तो और लगवा सकते हैं और आवाज इसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर आवाज की कोई कमी नहीं लग रही है। और एक चीज और दिखाता था मैं आपको, तो ये कैमरे लगाया हमने, देख सकते हैं ये भी पूरी कुशनिंग वाली है, और पूरा इसके अंदर स्टोरेज सामान वगैरह रख सकते हैं, काफी अच्छी
इसकी भी फिटिंग होती है, देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ लगाया पूरा पूरे देख सकते हैं। और भैया से भी मिलाते हैं कस्टमर सस्ते से, हमारा काम वगैरह रेट वगैरह कैसा लगा तो उनसे भी मिलवाते हैं। तो हमारे कस्टमर सर आए, सर कहाँ से आए? देवाड़ी से। देवाड़ी से आए सर, क्या नाम आपको? डॉक्टर सुनील सैनी। डॉक्टर सुनील सैनी जी देवाड़ी से आए। सर आप बता दीजिए। मैं दीपक देवाड़ी से सर के साथ ही। सर के साथ में आप भी बता दो। मेरा नाम युग सैनी है। युग सैनी, ओके। कैसे पता चला आपको हमारे शॉप के बारे में, डिजिटल कासीनगर के बारे में? YouTube पे वीडियो देखे आपके। मैंने YouTube पे बहुत वीडियो देखे सर, करोलबाग की मार्केट के बहुत वीडियो हैं, लेकिन जो बेस्ट मुझे लगा डिजिटल का लगा, इसका रीजन है कि मैंने और शॉप पे फोन किया, फोन कई बार किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज देते हैं, उसका कोई नहीं। आपके पास मैंने फोन किया, आपने हमेशा अटेंड किया, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जो मैंने पूछा आपने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इससे प्रभावित हुआ और यहाँ पे काम कराने आया। इसके अलावा जो काम इन्होंने किया, टाटा जेन्युइन ओरिजिनल एक्सेसरी सारी और जेन्युइन रेट के अंदर एक नंबर का काम किया, बेस्ट काम किया और रेट भी बहुत जायज है। बाकी कंपैरिजन करे तो हमें बहुत अच्छा रेट, जो हम व्हाट्सएप को या फोन पे बताए थे रेट सारा वही मिला सर आपको? वही रेट मिला। इसके अलावा इन्होंने और अपनी तरफ से 10% कंसेशन टोटल बिल पे कर दिया, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगा। और मेन बात जो आता है काम के, जो गाड़ी में अंदर काम हुआ सर, कैसा हुआ काम? काम बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है। अंदर का इंटीरियर भी और बाहर का एक्सटीरियर, जो जो हमने काम बताया था वो सारा काम नंबर वन में जेन्युइन काम है, बेस्ट काम है। जो जो सामान का आपको रिक्वायरमेंट था, जो चाहिए था, सारे सामान मिले सर? सब सामान मिल गया। हमारे पास तो टाटा जेन्युइन काम होता है, सारी गाड़ियों का जेन्युइन एक एक पार्ट मिल जाता है। तो सर आपको सब कुछ दिखाया गया होगा, सब कुछ लगाया गया है, तो काम से पूरा संतुष्ट है? बिल्कुल सेटिस्फाई है जी, बिल्कुल। हमारे कस्टमर व्यूअर अगर कोई देख रहे वीडियो तो आ सकते हैं हमारे शॉप? बिल्कुल आ सकते हैं, बेहिचक आ जाएं। आदमी अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, जेन्युइन है। ऐसा नहीं कस्टमर को जो है अपना केवल धक्का मारने वाली बात नहीं है। स्टाफ भी इनका अच्छा है, कोऑपरेटिव है, जो बताया वैसे किया जी, जी बहुत अच्छा। सारे हमारे स्टाफ खुद के हैं सर, और वो टाटा की गाड़ियों में ही काम करते हैं। ये नहीं कि किसी को पकड़ लिया उससे काम करवा लिया, वो काम हमारे यहाँ नहीं होता। एक्सपर्ट स्टाफ है जी, जी बच्चे हैं लेकिन काम में माहिर है जी, जी उसमें कोई कमी नहीं है। सारे अच्छा लगा, अच्छे एक्सपीरियंस है। दो तीन लड़के हमारे पास है, 15-20 साल के एक्सपीरियंस है उनको, बाकी उनके साथ भी लड़के काम कर रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, सही थे सारे काम? बिल्कुल ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू जनवाने के लिए। आप कुछ कहना चाहोगे? काम कैसा हुआ? कैसा लगा काम? बहुत अच्छा लगा। काम बढ़िया हो गया सारा? बहुत अच्छा। गाड़ी देखने में मजा आ गया? बहुत मजा आ गया। चलो ठीक है, वीडियो देख के लाइक करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, दूसरों के पास शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। ओके थैंक यू, थैंक यू जनवाने के लिए। ओके ओके सर।